नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं फिर से लेके आया हूँ एक कंबाइंड वीडियो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, काफ़ी अच्छे डॉग्स है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे पास जितने भी डॉग्स आते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको इस पर ज्वाइन होना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, सबसे पहले है सेंट बर्नार्ड के पपीज़ है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड, ये बच्चे बुकिंग के लिए अवेलेबल है, बच्चे अभी 22 दिन के हैं। आपको मैं मदर फादर दिखाऊंगा, तो ओनर का प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है सेंट बर्नार्ड का। लोकेशन है वाराणसी है और प्रॉपर मार्किंग के साथ बच्चे हैं। तो बच्चे अभी छोटे हैं, आप मदर के साथ पपीज़ को देख सकते हो। और फिर मदर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप चाहते हो इस तरह के सेंट बर्नार्ड के पपीज़, बाकी मैं आपको मदर फादर दिखाऊंगा। और ओनर के पास मदर भी अवेलेबल है और फादर भी अवेलेबल है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो मदर फादर को। बड़ी ब्रीड है, अगर आप चाहते हो लार्ज ब्रीड पालना तो सेंट बर्नार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बहुत अच्छी है। और फ्रेंड, इनका साइज़ ही ह्यूज होता है, बट ये इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली डॉग होते हैं, बहुत इनका फ्रेंडली नेचर होता है। बाकी आप फादर की क्वालिटी देखो, प्रॉपर मार्किंग के साथ है मदर और फादर दोनों ही। यूपी वाराणसी इनकी लोकेशन है, वहाँ पर ये पपी अवेलेबल है। तो बच्चे अभी छोटे हैं, तो फ्रेंड ओनर ने प्राइस डिसाइड नहीं किया है, बट ओनर के पास मदर भी अवेलेबल है और फादर भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ओनर ने मेटिंग कहीं बाहर से करवाई है, प्योर ब्रीड है सेंट बर्नार्ड की। बाकी आप ओनर से बात कर सकते हो, बट अभी ये बच्चे बुकिंग के लिए अवेलेबल है, आपको इनकी बुकिंग करनी पड़ेगी। बाकी बच्चे अभी सिर्फ 22 दिन के हैं, तो अभी मदर का मिल्क पी रहे। तो जैसे ही बच्चे 40 डेज़ के होते हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हो। बाकी क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी है, एकदम प्योर क्वालिटी के सेंट बर्नार्ड के पपीज़ है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। लोकेशन इनकी वाराणसी है। क्वालिटी आपने देख ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और फ्रेंड, एक बार मैं आपको पपीज़ भी दिखा दूँ, ये पपीज़ है जो कि अभी 22 दिन के हैं। तो अभी पपी छोटे हैं तो आपको क्वालिटी का उतना आइडिया नहीं होगा, बाकी बच्चे अच्छे हैं, लगभग 20-22 दिन के बच्चे हैं। तो जैसे ही बच्चे 45 डेज़ के हो जाते हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हो। वैसे मैंने आपको मदर फादर दिखा दिए। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है एक लैब्राडोर। फ्रेंड, ये लैब्राडोर का प्राइस एकदम जेन्युइन प्राइस है। अगर आपका बजट कम है ना तो आप इस लैब्राडोर को ले सकते हो। इसका जो प्राइस सिर्फ और सिर्फ है वो 5,000 है। अगर आपका बजट कम है तो लो बजट में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। 5,000 रुपये की डिमांड की है इस पपी के लिए, जो कि एक जेन्युइन प्राइस है अगर आपका बजट कम है। बाकी आप अपने हिसाब से जितना नेगोशिएशन करना चाहो कर सकते हो। बाकी हरियाणा इनकी लोकेशन है, पंचकुला हरियाणा में ये पपी अवेलेबल है। और फ्रेंड, प्योर लैब्राडोर है और सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपये की डिमांड की है ओनर ने, तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस है इस पपी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 5,000। पंचकुला हरियाणा इसकी लोकेशन है। और फिर नेक्स्ट नंबर पर है गद्दी के पपीज़। अगर आप गद्दी के पपीज़ लेना चाहते हैं तो गद्दी ब्रीड भी सेल के लिए अवेलेबल है। और फिर एकदम प्योर क्वालिटी के बच्चे हैं। अगर आप गद्दी ब्रीड पालना चाहते हैं तो मैं आपको इस ब्रीड के बारे में बता दूँ, जो इसकी ब्रीड पपीज़ अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं विंटर में। तो ये ब्रीड उत्तराखंड और हिमाचल में पाई जाती है। बाकी आप क्वालिटी देख सकते हो, बॉडी पे काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये बच्चे सरवाइव नहीं करेंगे ठंडी जगह में, सॉरी गर्म जगह में सरवाइव नहीं करेंगे, लोग ये सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप केयर करोगे, लोग पालते हैं, हर जगह ये ब्रीड पाली जाती है ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सरवाइव नहीं करेंगे, बहुत अच्छी ब्रीड है अगर आप इसे पालोगे, नेचुरल ट्रेंड है। और फ्रेंड, ये ब्रीड बहुत समझदार होती है,
आपको इनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरल ट्रेंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार भी होते हैं। बाकी आपको इसमें डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, ऑनर काफ़ी जेन्युइन है, आपको डिलीवरी कर देंगे। बाकी आप ऑनर से कंफर्म कर सकते हो, मैंने आपको क्वालिटी दिखा दी है, ये क्वालिटी के बच्चे हैं, डिलीवरी आपको इसमें ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी। और फ्रेंड्स आप देख भी सकते हो पप्पी के बॉडी पे कितने बड़े बड़े बाल हैवी पॉज है, एकदम प्योर गद्दी है। इनके जो ईयर है वो लैब्राडोर की तरह होते हैं, थोड़े झुके हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि जर्मन शेफर्ड की तरह खड़े, इनके ईयर डाउन होते हैं। बाकी बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप हमें टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर। और फ्रेंड्स अगर आपको अपने डॉग के लिए कुछ भी परचेज़ करना है तो ये अमेज़ॉन का इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाओगे तो क्लिक करोगे, आपको सभी डॉग की एसेसरीज़ एक ही क्लिक में मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें बेस्ट प्रोडक्ट ऐड किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय ऑल डॉग एसेसरीज़। और फिर नेक्स्ट नंबर पर एक बुल मैस्टिफ का पपी है, 1 मंथ अराउंड इसकी एज है, इसकी लोकेशन है मुजफ्फरनगर यूपी। क्वालिटी आप देख सकते हो पपी की, तो एकदम प्योर क्वालिटी का बुल मैस्टिफ का पपीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो प्राइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये की डिमांड की है, तो बुल मैस्टिफ का प्राइस आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 में मिल रहा है, फीमेल है बट प्राइस काफ़ी जेन्युइन है ओनर का। आपको बुल मैस्टिफ का पपी 10,000 में मिल रहा है, जो कि एक रिजनेबल प्राइस है। बाकी लोकेशन इनकी मुजफ्फरनगर यूपी है, वहाँ पर लोकेशन है। बाकी आप ऑनर से बात कर सकते हो, अगर आपको वो डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं तो खुद जाई के विज़िट कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो लीजिए। मैं आपको मदर के पास पपी भी दिखा देता हूँ, आपने मदर की क्वालिटी देख ली है, तो अगर आपको फादर की मेटिंग की फ़ोटो वीडियो देखनी है तो आप ऑनर को कॉल कर सकते हो। फ्रेंड पप्पी एकदम प्योर क्वालिटी का है, मदर आपने देख ली है, 10,000 एकदम जेन्युइन प्राइस है बुल मैस्टिफ के लिए। थोड़ी लार्ज ब्रीड है, थोड़ी कॉस्टली भी आती है, बट एक ही बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आपको फ़ीमेल मिल रही है 10,000 में। अगर आप एक अच्छी ब्रीड पालना चाहते हो और आपका बजट भी कम है तो बुल मैस्टिफ आप ले सकते हो, 10,000 रुपये की डिमांड की है। बाकी आप अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे शायद प्राइस फिक्स है, बाकी फिर आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैंने आपको प्राइस बता दिया है 10,000, और मुजफ्फरनगर यूपी इनकी लोकेशन है, बुल मैस्टिफ की फ़ीमेल है, डिलीवरी आपको इसमें शायद अवेलेबल नहीं है, बात कर सकते हो ऑनर से। वैसे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा खुद जाके विज़िट करें। और फिर नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास है रॉटविलर ब्रीड के पपीज़। और वैन पप्पी बहुत ही हैवी बच्चे हैं, लुधियाना इनकी लोकेशन है, ये आप पपी देख सकते हो रॉटविलर के कितने हैवी बच्चे हैं। और जो इनका प्राइस है फ्रेंड वो एकदम रीजनेबल प्राइस है, लुधियाना इनकी लोकेशन है, 13,500 रुपये की मेल की डिमांड की है और 9,000 रुपये की फ़ीमेल की डिमांड की है, एकदम जेन्युइन प्राइस है रॉटविलर के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से जितना नेगोशिएशन करना चाहो कर सकते हो, हैवी बच्चे हैं, लुधियाना इनकी लोकेशन है, वहाँ पर ये पपीज़ अवेलेबल है, 13,500 रुपये की मेल की डिमांड की है और 9,000 रुपये की फ़ीमेल की डिमांड की है। बाकी आप जितना नेगोशिएशन करना चाहो कर सकते हो, क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी है, लोकेशन लुधियाना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही डॉग हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपको बेस्ट डॉग ब्रीड लेके आएंगे। और आप हमें टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे सब जगह सब्सक्राइब कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स अगर आप भी अपने डॉग की वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो,
डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।